सभी लोग, आई होप आप अच्छे होंगे। गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा अच्छे रहे। और गाइस, आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ ऑल ड्रेसेस, फैशनेबल ड्रेसेस और इथनिक वियर में है। तो गाइस बने रहे वीडियो में, और वीडियो और डिजाइन अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, आज की वीडियो में मैंने पूरे ही ड्रेसेस को एक से एक बढ़कर डिजाइनर एंड फैशनेबल ड्रेसेस को शेयर किया है। तो गाइस, सबसे मेन बात है कि आप बने रहे वीडियो में और देखते रहे कि आपको कौन से पसंद आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि सभी ड्रेसेस आपको पसंद आएंगे, क्योंकि आज से मैंने जो भी ड्रेसेस को शेयर किया है वो सभी ग्रैंड एंड हैवी लुक में है और डिफरेंट है, और इस क्लॉथ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। शाइनिंग क्लॉथ रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ये। जैसे कि वीडियो में तो इतना नहीं भी समझ में आता है, लेकिन जो रियल में रहता है इतने वेयर में, तो आप देख सकते हैं कभी भी सॉफ्टली बहुत अच्छा होता है क्लॉथ ये। और एक से एक फैशनेबल ड्रेसेस को मैंने शेयर किया है, एक से एक डिजाइनर हैं और एक से एक बढ़कर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं सभी। तो गाइस बने रहें वीडियो में। और गाइस, सबसे मेन बात और मुझे बोलनी है कि मेरी वीडियो अपलोडिंग का टाइमिंग पहले 4:30 PM था, आफ्टरनून 4:30 बजे, 4:30 बजे दोपहर के बाद है। लेकिन गाइस, कई सारे फ्रेंड्स ने बोला कि डिजाइनर जी, आपकी टाइमिंग का थोड़ा सा अटपटा है, तो प्लीज़ टाइमिंग चेंज कीजिए, ये थोड़ा रिमेम्बरेबल टाइमिंग नहीं है। जैसे कि जेन्युइन टाइमिंग रहता है कॉमन, एग्जांपल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से इंसान को कहते हैं याद रहता है, लेकिन 4:30 और कहते हैं कि 1:15, ये सब नहीं याद रहता है। तो आपने टाइमिंग को थोड़ा चेंज कर लीजिए प्लीज़, तो हमें याद रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने टाइमिंग को चेंज किया है। तो गाइस, अब मेरा टाइमिंग है वीडियो अपलोडिंग के 4 बजे दोपहर के बाद, आफ्टरनून 4 PM। तो ये तो टाइमिंग सही है ना गाइस, ये 4 बजे, क्योंकि अब और नेक्स्ट टाइमिंग तो हम नहीं सिलेक्ट कर सकते, हमारी जिम्मेदारियां काम के अकॉर्डिंग। मैं मतलब इस टाइमिंग पर ही कंफर्टेबल हूँ, तो यही टाइमिंग मैंने सेलेक्ट किया है। तो गाइस, अब प्लीज़ नोट कर लीजिए कि 4 बजे ही हमारी वीडियो आती है रेगुलर, लेकिन कभी कभी कोई मतलब प्रॉब्लम्स हो जाए, या कोई प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत हो जाए, तो उसकी अकॉर्डिंग में बेशक ना मैं बना सकूं और डिले हो सकती है, लेकिन मेरी वीडियो रेगुलर ही आती है। तो गाइस, प्लीज़ इस टाइमिंग को भी नोट कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि कहते हैं कि दूसरों को अच्छा करेंगे तो अल्लाह आपके साथ अच्छा करेगा, तो आप टाइमिंग भी नोट कर लीजिए और सपोर्ट भी करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी और मेरा टाइमिंग भी पता चल गया होगा। तो थैंक यू सो मच हमारी टाइमिंग को नोट करने के लिए। और गाइस, जितने भी लोग न्यू फ्रेंड्स हमारे बनते हैं, मतलब जो भी हमसे जुड़ते हैं, तो गाइस जब भी आप सब्सक्राइब किया करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया कीजिए, क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि आपके वीडियो का मुझे टाइमिंग पता नहीं रहता है, मुझे पता ही नहीं चलता है, नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर वीडियो में ही बताना पड़ेगा कि आप बेल आइकन को भी प्रेस किया कीजिए, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ पाया करेगी। तो जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और बेल आइकन के बाद में जब 3 ऑप्शन आते हैं उसमें, तो सबसे फर्स्ट वाला जो है ना, ऑल पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, उससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल जाया करेगी। तो डोंट वरी, आपको मतलब क्या है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ना करने की वजह से दिक्कत आती है, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस किया कीजिए प्लीज़, तो आपको ज़रूर मिलेगी। और कोई वीडियो रुक थोड़ी ना जाती है कि आपके पास नहीं जाएगी, आपने सब्सक्राइब किया है और आपके पास वीडियो नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तो ज़रूर आएगी आपके पास। और आई होप कि आपको ड्रेसेस पसंद आएंगे, क्योंकि मैंने आज सभी ड्रेसेस को एक से एक बढ़कर फंक्शनेबल के लिए सभी शेयर किए हैं, और सभी ड्रेसेस अब फंक्शनेबल, फंक्शन कोई भी छोटा मोटा बड़ा हाई लो जो भी फंक्शन में रहता है आप पहन सकते हैं, और जहाँ तक ये सभी हाईएस्ट फंक्शन में भी आप पहन सकते हैं, बड़े से बड़े फंक्शन में और छोटे में भी पहन सकते हैं। अभी क्या है, वो तो अपनी चॉइसेस है, कुछ भी पहन सकते हैं, और ईद स्पेशल और फेस्टिवल स्पेशल भी रहते हैं, तो सभी
जगह अच्छे से अच्छे ओकेजन पर आप पहन सकते हैं। तो गाइस बने रहें वीडियो में और देखते रहें कि आपको कैसे लगे ड्रेसेस, क्योंकि आज की तो मैंने बहुत ही डिफरेंट कलेक्शन को शेयर किया है और सभी कलेक्शन एक से एक डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस हैं और लाइट वेट में भी है और लाइट कलर्स में भी हैं, डार्क में भी हैं और मीडियम में भी हैं। तो हर टाइप के ही वीडियोस को मैंने शेयर किया है जिससे कि आपको कोई पहचानने में प्रॉब्लम ना हो कि आप कैसे, और प्रिंटेड भी हैं, जैसे कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स इतनी मेयर में प्रिंटेड भी पसंद करते हैं, वो जहाँ तक मैक्सिमम तो प्रिंटेड ही रहते हैं लेकिन प्लान भी रहते हैं और डिजाइनर भी रहते हैं, डिजाइन एक से एक बढ़कर डिजाइनर रहते हैं। ये भी देखिए कितना प्यारा सा लुक लग रहा है और ये बहुत कहते हैं कि हर टाइम में भी पहन सकते हैं, कहीं जाने आने में भी पहन सकते हैं, फंक्शन में भी पहन सकते हैं और कोई भी फेस्टिवल को भी पहन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा और भी डिफरेंट लुक था तो सभी, और ये एक से एक डिजाइनर है और ये सभी फैशनेबल हैं सभी, जैसे कि बहुत टाइप के ड्रेसेस रहते हैं लेकिन फैशनेबल जो रहते हैं एक से एक थोड़े से हट के थोड़े से यूनिक हो जाते हैं। तो फैशनेबल का मतलब ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब भी सिंपल भी रहते हैं, ग्रैंड भी रहते हैं, नॉर्मल भी रहते हैं, तो ये सभी का एक अलग कहते हैं पार्ट है। लेकिन जो फैशनेबल रहते हैं उनमें थोड़ा सा हट के गुड लुकिंग रहता ही रहता है और सभी डिजाइनर जो रहते हैं एक से एक बढ़कर कुछ तो कुछ उसमें डिफरेंट होता है, तो इसकी वजह से उसको फैशनेबल बोलते हैं। तो अभी जैसे कि नॉर्मल कुर्ती ले ली आपने, टॉप ले ली, तो उसका मतलब देख लेना, और एक के रहेगी तो आप देखना, फैशनेबल कुर्ती लेना तो आप देखना कि आपको कितना सारा डिफरेंट उसमें पता चलेगा कि कैसी है, और एक नॉर्मल देखना ड्रेस आप अनारकली या कोई भी गाउन ले लेना, जस्ट गाउन, और एक आप फैशनेबल लेना डिजाइनर में बोलना। आप कभी किसी भी शॉपकीपर से दुकानदार से बोल सकते हैं कि आप मुझे फैशनेबल दिखाइए, तो फैशनेबल में आपको वो ऐसे ही कुछ हट हट के मतलब डिफरेंट डिजाइंस को दिखाएंगे, लेकिन आप कहेंगे कि मुझे जस्ट गाउन दिखा दो, जस्ट नॉर्मल ड्रेस दिखा दो, तो आपको उस हिसाब से दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में पूरा ही फैशनेबल है, एक से एक डिजाइनर, एक से एक पैटर्न्स बढ़ बढ़ के हैं सुपर सुपर, और लाइट कलर्स में भी है, डार्क कलर्स में भी है, लाइट वेट में भी है और हैवी वेट में है, मैक्सिमम हैवी वेट में है और लाइट कलर्स में है, लेकिन एक से एक सुपर हैं। तो आई होप आपको पसंद आएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और वीडियो को पूरा देख लें और अच्छे से बने रहें और आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे। अल्लाह करे सभी को नसीब में अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी चीज़ें पहनना, देखना, सुनना, एंजॉय करना नसीब करे, और अल्लाह ताला सभी इंसानों को सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात तो है कि अल्लाह हमें ऐसे बुरे चीज़ों से बचाएं जो अल्लाह को ना पसंद है, और कहते हैं कि सभी की गरीबी दूर करें। आप कहते हैं कि जो लोग गरीब लोग रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ ऐसा, कि वो हाई चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, तो हम तो यही दुआ करेंगे कि सबको ऐसा बनाए कि सभी हर चीज़ को खरीद सकें और पहन सकें और अच्छे घरों में रह सकें। अल्लाह सभी के साथ अच्छा करे, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हमने देखे हैं तो हमने उनकी कमेंट को अप्रूव भी नहीं किया है, कि काफ़ी दुखद भरी कमेंट्स किए हैं कि डिजाइनर जी इतने हैवी तो हम कहाँ खरीद पाते हैं, इतने अच्छे से आप ड्रेस शेयर करते हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला इन ड्रेसेस से बढ़कर है, इनकी कीमत से बढ़कर है, तो आप उनसे मांगें इंशाल्लाह जरूर। अभी फ़ोन और आ गया है, अब दूसरे घंटी पर क्या कहते हैं, दूसरे फ़ोन पर घंटी बज रही है गाइस, तो आप सुनते रहें, और प्लीज़ इसमें वाटी टीम वालों से रिक्वेस्ट है कि फ़ोन की घंटी बज गई है बीच में तो मैंने बंद कर दी है, तो आप रॉन्ग ना समझे इसको, और ना ही आप समझे कि कोई म्यूजिक व्यूजिक लगाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट फ़ोन की घंटी बज गई है बीच में। तो गैस हम अपनी बात करते हैं, तो गैस देखिए हम, आप कोई भी ऐसे मायूस कमेंट ना किया करें, आप मायूस ना हुआ करें कोई चीज़ों को देख कर के, आप हमेशा से अल्लाह से मांगा करें। अगर अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला इंसान को वही देता है जिसमें आपके लिए बेहतरी होती है। कभी कभी हम बहुत कुछ सोच लेते हैं लेकिन
और जो देता है अल्लाह वो बेहतर सोच समझ कर देता है आपके लिए, सही है गलत है। तो आप थोड़ा सा सब्र किया करें और जायज़ चीज़ें मांगा करें। और ये क्या है, ड्रेसेस तो ही है ना, लेकिन आपसे बढ़कर थोड़ी ना है कोई भी ड्रेसेस। तो कभी भी आप ऐसे ना सोचा करें, सभी ड्रेसेस हैं और अल्लाह ताला आप सभी को इससे बढ़ बढ़ के चीज़ें देने की देना नसीब करे और अच्छा नसीब करे आप सभी लोगों का। और मुझे तो वैसे भी कोई ज़्यादा शौक़ नहीं रहता है, तो मैं तो कुछ ज़्यादा शौक़ के लिए चीज़ें मांगती नहीं हूँ। मैं हमेशा यही मांगती हूँ कि अल्लाह हमें इस काबिल बनाए कि हम दूसरों की मदद कर सकें और जो भी परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर करने में उनकी सपोर्ट कर सकें, मदद कर सकें। अल्लाह मुझे और कोई शौक़ ही नहीं रहा, बस इस काबिल बनाए कि हम अपनी जिम्मेदारियाँ फ़र्ज निभा सकें और कुछ मतलब ऐसे कोई भी बुरे कामों से हमेशा दूर ही रखे हमें। और लेकिन जो लोग शौकीन हैं, शौक़ रखते हैं हर चीज़ों का, तो अल्लाह ताला उनके नसीब में हर चीज़ अच्छे जैनून जाए चीज़ों का शौक़ जो भी रहता है उसका पूरा करने की का कहते हैं नसीब करे अल्लाह ताला सभी का। और हमारे फ्रेंड्स जितने भी दुखी हैं जो कि इस टाइप में सोचते हैं, तो प्लीज़ अल्लाह उनकी सभी की परेशानियां दूर कर दें इस रमज़ान। अल्लाह ताला सभी की गरीबी दुख परेशानियां दूर कर दें, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह से आप लोग भी दुआ करें कि एक दूसरे के लिए कि इस रमज़ान सबकी परेशानियों को दूर करे अल्लाह ताला और सही राह पे चलने की तौफीक दे। सबसे बात है मेन अमल है कि आप सही राह पे चलने के बारे में सोचें, आप कोई चीज़ों के दिखावा के बारे में ना सोचें कभी भी। ये चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी, जाएंगे तो अमल अमल। तो इंसान कहते हैं कोई भी बुरा बोलता है और गलत सोचता है आपके बारे में या गलत बोलता है गलत करता है, तो बस सब्र कर लिया करें और जवाब देना लाजमी है, कोशिश करनी चाहिए। पर कोई ना माने तो सब्र कर लिया करें। आई होप के अल्लाह ताला आपकी परेशानी को समझेंगे और इंशाल्लाह दूसरे इंसान को हिदायत ज़रूर देंगे। और अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। आई होप कि आपको वीडियो और हमारी कुछ मोटिवेशन बातें अच्छी लगी होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।